बोस फर्नीचर के लूट लो ऑफर के साथ अब सरायकेला एसडीओ ने की चंद्रका मिनरल्स के में छापेमारी। चंद्रका मिनरल्स में काम कर रहे हैं 14 साल के बच्चे। चंद्रका मिनरल्स में मिले कई नाबालिग बच्चे। सभी बच्चों से की जा रही है पूछताछ। कंपनी के सारे अधिकारी फरार हैं। न्यूज 11 पर खबर चलने के बाद मजदूरों को मुहैया की गई थी जूते और हेलमेट। तो न्यूज 11 पर जब खबर हमने दिखाई थी उसके बाद मजदूरों को जूते और हेलमेट मुहैया कराए गए थे। इसमें नाबालिग बच्चों के काम करने की भी खबर मिल रही है। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी सुनील हमारे साथ मौजूद है। सुनील, जिस तरीके से हमने पहले खबर दिखाई थी कि मजदूरों को सुविधाएं नहीं दी जाती, उसके बाद असर ये हुआ था कि जूते और हेलमेट मजदूरों को मुहैया कराए गए, लेकिन एक और खुलासा हुआ, नाबालिग भी यहाँ काम कर रहे हैं। ये औचक निरीक्षण है यहाँ के अधिकारियों द्वारा, जब उन्हें गुप्त सूचना मिली कि यहाँ जो कारनामे हो रहे हैं वो बाहर के बच्चों को अंदर रख करके और एक पीछे साइड में बनाया गया था उनको रहने के लिए, एक कॉलोनी टाइप है कि जो बच्चे यहाँ से बाहर ना निकल पाए, कोई इनको देख ना पाए। और पीछे में इन्हें क्या कराया जा रहा था कि काम कराया जा रहा था 12 घंटे, और 12 घंटे काम कराने की एवज में इन्हें 7 से 8 हजार रुपए भी दिए जा रहे थे। लेकिन इन बच्चों को जैसे ही जैसे ही यहाँ के प्रशासन को एक खबर मिली कि यहाँ पे नाबालिग बच्चे भी इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इतने खतरनाक कंपनी में काम, इतने डिस्टेबल कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ 3 साल के अंदर अंदर लोगों की मौत हो जाती है, ऐसे में 14 साल के बच्चे जब काम करें तो उनके साथ क्या स्थिति होगी, उनके साथ जो आने वाली जिंदगी है वो कैसे बीतेगी, इसको लेकर के काफी सजग प्रशासन दिखी और औचक मदद छापेमारी की है। और छापेमारी के दौरान कई बच्चे पाए गए हैं जो 14 साल के बच्चे हैं, कोई कोई 16 साल के बच्चे हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चों का यहाँ तक देखा गया कि आधार कार्ड नहीं थे लेकिन देखने में वो 14 साल से भी कम नजर आ रहे थे। जी राजदा, और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि यहाँ सारे अधिकारी, जैसे यहाँ पे छापा पड़ा एक भी अधिकारियों का यहाँ पता नहीं है, सारे ऑफिस खुले हुए हैं और जिनको जैसे मन किया वैसे यहाँ से भागते नजर आए। लेकिन जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के जिला के दंडाधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, वो सभी लोग यहाँ पहुंच चुके थे और सारी छानबीन की और हर जगह से देखी गई, तो यहाँ तक भी देखा गया कि यहाँ के जो कागजात थे कंपनी के उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग गायब कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे हैं वो काफी सामने हुए थे, कुछ बोलने के कगार पे नहीं थे, वो उनको एक अजीब सी माहौल लग रही थी कि हम कहाँ अगर इसे फंस गए हैं, वैसे लोग हम लोग को देखते उनकी आंखों में एक अलग सी आस दिख रही थी कि शायद ये लोग हमें यहाँ से निकाल भी ले। लेकिन राजधान हम आपको एक बात बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे बच्चों के साथ एक तरह से कहा जाए कि जुलम सितम की जो सबसे बड़ी जो बात कही जा सकती है कि कंपनी के द्वारा इनके साथ और एक अलग रूम बनाकर, एक खुफिया रूम बनाकर के जहाँ पे कोई आदमी पहुंच नहीं पाए उसे। सुनील, क्या बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, क्या वो वहाँ के वो स्थानीय बच्चे हैं या फिर कहीं दूसरे जगह से उन्हें लाए? मैं आपको बता दूं कि यहाँ के स्थानीय एक ही बच्चे नहीं है और यहाँ के स्थानीय बच्चों को रखा भी जा सकता था क्योंकि यहाँ के स्थानीय बच्चों को आप कैद करके नहीं रख सकते थे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ की भाषा तक ये नहीं समझते हैं बच्चे। और सबसे और तो और है, इन बच्चों को सबसे बड़ी अगर एक बात देखी जाए कि काम करने की वजह में जो पैसे मिलते थे वो काफी कम थे और साथ ही साथ इनकी उम्र काम करने के लायक नहीं है। राजदा, मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे जब हम लोग सामने पड़े और जब सामने जाकर इन बच्चों से बात करना शुरू किया तो इनको इनकी आंखों में एक अजब सी डर दिखी, अजब सी एक ऐसी डर दिखी जैसे कोई इन्हें कोई मारने आया, कोई इसे पीटने आया। इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि इसे हमें कोई मार देगा, हमें कोई पीट देगा या फिर यहाँ से हमें कहीं और जगह ले जाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर इन्हें डरा कर रखा गया होगा वहाँ पर, डरा कर इनसे काम लिया जा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल राजदा, इन्हें डरा कर ही काम लिया जा रहा था। और ऐसे ही नहीं, आप सोच सकते हैं कि जिन ये काला पानी से ही बढ़ के सजा इन लोगों के लिए, क्योंकि आपको हम बता दें कि इन्हें ना तो बाहर निकलना है, ना किसी बाहरी व्यक्ति से मिलना है, ना कहीं ये बाहर कुछ खा पी सकते हैं। अगर ये बाहर जाएंगे तो कंपनी अधिकारी इन्हें बाहर अपने साथ लेकर के जाएंगे और अपने साथ ही अंदर लेके आएंगे। ऐसा लग रहा है कि अपने देश में रह ही नहीं रहे, किस अदर कंट्री में रह रहे हैं, वैसे इनके साथ बर्ताव किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर डर, इनकी आंखों में इतने डर है, इतने डर देखा गया कि उसका कोई दूसरा शब्द नहीं है कहने के लिए कि ये
इन बच्चों को किस ढंग से कितने डरा कर सुनील एसडीओ मतलब का ये औचक निरीक्षण था। एसडीओ से कोई बातचीत हो पाई है, किसी तरह की कार्रवाई की कोई बात नहीं है? बिल्कुल 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 एसडीओ ने क्लियर कहा है कि मतलब कि ये जांच में एकदम सही पाया गया और एक खबर बिल्कुल जो सूत्र के हवाले से खबर मिली थी हम लोगों को, जो गुप्त सूचना के अलावा जो खबर मिली थी बिल्कुल सही पाई गई है। और यहाँ पे बच्चे मिले हैं, तीन बच्चों को उन चाइल्ड लाइन में रखा गया है और आदितपुर थाने के हवाले कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं राजदा कि यहाँ पे स्थानीय थाना महज यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और सारे अधिकारी जो भी यहाँ पे चाइल्ड लेबर है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, इस कंपनी में बोलते हैं कि हम हमेशा जाते हैं। हम लोगों ने उनके पास जब भी गया ये बातें की भाई अब उस कंपनी में एक बार देखिए, तो उनका सारा सीधे तौर पे कहना था कि हमने हमेशा देखा कि नहीं उसमें कोई मतलब इस तरह की बातें नहीं है। और आज जो औचक निरीक्षण हुआ, जो भी सूचना पे यहाँ पे पदाधिकारी है, अनुमंडल पदाधिकारी है, उन्होंने साफ देखा, वो भी दंग रह गए कि अरे इतने भारी मात्रा में वर्कर यहाँ पे रहते हैं और इसमें चाइल्ड लेबर है, इतने कम उम्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इतना डरे सहमे हैं, उनको अविलंब यहाँ से भिजवाया जाए चाइल्ड लाइन में और वहाँ उनको एक अच्छी परवरिश मिलेगी और उसके बाद उन्हें उनके घर को भेज दिया जाएगा। लेकिन इस कंपनी के ऊपर FIR दर्ज होगी अगर मेडिकल जांच में उनके उम्र को अगर सही करार दिया जाता है और सही करार दी जाती है मेडिकल टीम के द्वारा, तो ये काफी बड़ी सजा के हकदार होंगे, ऐसा SDO ने कहा। जी राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो चंद्रका मिनरल्स में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। पहले वहां जो मजदूर थे उन्हें सेफ्टी के तौर पर ना हेलमेट मुहैया कराया गया था और ना ही जूते दिए गए थे। जब न्यूज 11 भारत ने यह खबर दिखाई उसके बाद ये तमाम चीजें मजदूरों को दी गई। और इतना ही नहीं, आज जो खबर आई है उसमें नाबालिग बच्चों से भी काम लिया जा रहा है। सुनील, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे, शुक्रिया।